तो भाई कैसे हो? आज मैं बताऊंगा स्विगी ऐप के बारे में। स्विगी ऐप को कहां से डाउनलोड करें, स्विगी में आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा भाई इस वीडियो में एंड तक। तो भाई सबसे पहले अपन जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप को सर्च करना है। तो भाई मैंने पहले भी सर्च करके रखा है, इस चक्कर में ये ऊपर ही आ गया। अब अपन इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है जो स्विगी का ऐप दिखता है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो भाई कुछ देर में ये अपना स्विगी का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो लगभग भाई अपना स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं भाई। ये भाई अपन ने स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ परमिशंस मांगता है जो अपन को देनी पड़ती हैं। इस पर अलाउ करना है, अलाउ करना है भाई 3 से 4 बार लगभग। अब इसको अपन अलाउ करने के बाद जिस नंबर से आप स्विगी में आईडी बनाना चाहते हो उस नंबर को यहाँ पर फिल करना रहता है। तो देखिए भाई यहाँ पर मैं एक नंबर डालता हूँ 9294565841। ये मेरा आइडिया का नंबर है, इससे मैं करके दिखाता हूँ आपको। भाई अपना ओटी अभी नहीं आया है, देखते हैं। तो भाई अपना ओटीपी आ गया है, अपने आप फिल हो गया है। अब मांगता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करने को अच्छी लगती हो, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब जिसमें आपको आसानी मिले उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है भाई आपको बाइक से करनी है या साइकिल से करनी है स्विगी में काम। तो भाई मैं बाइक को चूज़ कर लेता हूँ, ये अपन ने कर दिया सेव। अब भाई देखो ये बोल रहा है फुल टाइम की करना है कि आपको पार्ट टाइम की करना है। अगर पार्ट टाइम की करना है तो भाई देखो 8 घंटे देना पड़ेगा, और फुल टाइम करना है तो 12 घंटे देना पड़ेगा। तो भाई मैं फुल टाइम की आईडी बनाता हूँ। अब पूछ रहा है आपको कौन सा मतलब जोन चुनना है, जो आपके जहाँ रहते हो आप जिस एरिया में रहते हो वो जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई मैं कोलार में रहता हूँ तो मुझे पास पड़ेगा अपना कोलार, तो मैं कोलार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको शिफ्ट कितने से कितने बजे तक की रखनी, 7 से 7 रखनी या 12 से 12 रखनी। तो भाई मैं यहाँ से 7 से 7 रखता हूँ। सबमिट इंटरव्यू नेम फर्स्ट नेम, तो भाई मेरा फर्स्ट नेम हरीश है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हरीश। लास्ट नेम मेरा सिलावट है, तो मैं यहाँ पे सिलावट कर देता हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यू करेंट एड्रेस, जहाँ पर आप मतलब वर्तमान स्थिति में रह रहे हो। तो भाई डोर नंबर है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे 1। स्ट्रीट एरिया है, स्ट्रीट एंड एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो, कौन सी सड़क आपके लगती है। तो अपन को कोलार लगती है, तो भाई अपन कोलार डाल देते हैं। कोलार रोड भोपाल। सिटी भाई भोपाल। पिन कोड 4620042। ये भाई अपने भोपाल का है, कोलार साइड का लैंडमार्क है भाई कोलार। तो भाई इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑप्शन मेल एंड फीमेल, तो आप फीमेल हो तो फीमेल कर दीजिए, मेल हो तो मेल कर दीजिए। तो भाई मैंने मेल किया है, तो देखते हैं। तो भाई ये कंटिन्यू। तो भाई तीसरे नंबर पर बैंक डिटेल्स मांग रहा है। बैंक डिटेल्स मैंने पहले ही फिल करके रखी हुई हैं, तो पहले में अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो आपकी बैंक हो उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे में आपको अकाउंट नंबर डालना है, और तीसरे में भी आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है दोबारा, और चौथे में आपको FIC कोड डालना है और सबमिट कर देना है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके आपको अपलोड प्रूफ्स करना है। अपलोड प्रूफ्स में मांगता है आपको अपना आधार कार्ड दोनों साइड से अपलोड करना है, पैन कार्ड दोनों साइड से अपलोड करना है, RC दोनों साइड से अपलोड करनी है। ये 2-3-4 चीज़ें आपको
दोनों साइड से अपलोड करनी है। उसके बाद में ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए कुछ वीडियो दिखाई देंगी आपको, वो वीडियो को कंप्लीट करना है, पूरी वीडियो मतलब अच्छी तरीके सही तरीके से देखना है। इसके बाद में आपको दो दिन बाद वीडियो को कंप्लीट करने के एक दो दिन बाद आपको अपने पास के स्विगी सेंटर जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड और RC, वहां पे जाके ऑफिस में दिखाना है। देखते ही वो आपकी ID को चालू कर देंगे और आपको बैग और टी शर्ट दे देंगे। तो भाई आप परसों से अपना काम चालू कर सकते हो।